घरेलू मैच हो, प्रैक्टिस मैच हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, अगर कोई खिलाड़ी अपने शतक के करीब होता है तो कोई भी कप्तान उसे पवेलियन तो वापस नहीं बुलाता। हालांकि ऐसा वाक्य पहले हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में वो हुआ, जिसे देखकर सब दंग रह गए। आखिरकार क्या चल रहा था विराट के दिमाग में और उनकी क्या दुश्मनी थी इस खिलाड़ी के साथ कि उन्होंने ऐसा कर दिया। दिनेश कार्तिक को नहीं पूरा करने दिया शतक। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में भारतीय विकेट की बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों पर 94 रन बनाए। अपनी पारी में दिनेश ने 7 चौके और एक छक्का भी लगाया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 122.07 का रहा। दिनेश कार्तिक इस अभ्यास मैच में अपने शतक से सिर्फ 6 रन दूर थे, तभी उन्हें पवेलियन वापस बुला लिया गया और उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेज दिया गया। क्या हुआ विराट को? दिनेश कार्तिक अपने शतक से सिर्फ 6 रन दूर थे और वो जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो जल्द ही अपना शतक पूरा कर लेते और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि तेज गति से रन बना रहे कार्तिक को विराट ने आखिर क्यों शतक पूरा होने से पहले पवेलियन वापस बुला लिया? क्या ऐसा तो नहीं है कि कुंबले विराट विवाद को लेकर कप्तान कोहली अपसेट हैं और उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा फैसला कर लिया? वैसे एक बात तो तय है कि विराट के इस फैसले से कार्तिक हैरान तो जरूर हुए होंगे। हालांकि कार्तिक ने कमाल की बल्लेबाजी की और अपने फॉर्म में होने के सबूत दे दिया।